हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन लिटरेचर पर कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज द इंटरप्रेटेटर ऑफ मेलेडीज ऑथर। इंटरप्रेटेटर ऑफ मेलेडी झुंपा लहरी का लिखा हुआ बहुत ही फेमस नॉवल है और ये 1999 में लिखा गया था। बहुत ही फेमस नॉवल है इंटरप्रेटेटर ऑफ मेलेडीज, याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिफ्ट ऑफ इंडिया। ये चार पोइमे हैं और इन चारों पोइमों से आपको सरोजिनी नायडू के सारे वर्क याद हो जाएंगे। द गिफ्ट ऑफ इंडिया एक सबसे फेमस पोइम से ही है, बेंगल सेलर और एंथम ऑफ लव और पालकी बीरर। अब यूँ याद कर लीजिए कि इंडिया का गिफ्ट क्या है, बैंगल्स हैं और बैंगल्स कब दी जाती हैं, जब आप प्यार का गाना गाते हैं, और प्यार का गाना कौन सुनता है, जो पालकी में होता है। इस तरह से आप याद कर लीजिए कि गिफ्ट ऑफ इंडिया क्या है, वो बैंगल्स हैं। बैंगल्स कब दी जाती हैं, जब कोई बंदा प्यार का गाना गाता है और किसको देता है, पालकी वाले को, जो पालकी में होती है, पालकी बियरर। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए, आपको इसके चारों यार वर्क याद हो जाएंगे सरोजिनी नायडू के। नेक्स्ट है सर, एक बहुत ही फेमस वर्क है कमला मार्कंडे का टू वर्जिन्स। टू वर्जिन्स बहुत ही फेमस वर्क है और इसकी ऑथर कौन है, कमला मार्कंडे। सर मेहनत करके क्वेश्चन निकाल रहा हूं, आप बस यही दुआ है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए बस। नेक्स्ट है सर, ऑथर ऑफ ए सुटेबल वाई। अब सुटेबल बॉय जो है ये इंडो इंग्लिश नॉवलिस्ट या इंडियन नॉवलिस्ट विक्रम सेठ का लिखा हुआ बहुत ही फेमस नॉवल। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये वर्स में था, स्टोरी फॉर्म में, पोएम फॉर्म में था, ये नॉवल पोएम फॉर्म में था और एक पर्टिकुलर स्टेंजा होता है पुष्किन स्टेंजा, जो रशिया के एक वर्क ऑथर ने यूज किया था अपने वर्क पुष्किन में। उस पर्टिकुलर टफ स्टेंजा फॉर्म को विक्रम सेठ ने यूज किया, ए सुटेबल बॉय नॉवल सुपर हिट था। स्टोरी यही है कि एक पर्सन वो लड़की के लिए, शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे होते हैं, वो सुटेबल बॉय ढूंढ रहे होते हैं, वही होता है। अब इसके साथ ही आपको दो तीन क्वेश्चन और याद करवाता हूं कि विक्रम सेठ का सबसे फेमस वर्क है सुटेबल बॉय, लेकिन इसका इसका एक इसने सीक्वल लिखा ए सुटेबल गर्ल। अब की बार क्या होता है कि वो कोई बंदा अपने बेटे के लड़की ढूंढते हैं, सुटेबल बॉय और सुटेबल गर्ल। सुटेबल बॉय वर्स नॉवल है, बहुत कम वर्स नॉवल है हमारे वर्ल्ड इंग्लिश लिटरेचर में और ये एक उनमें से एक है। अब ये एक सुटेबल गर्ल ज्यादा फेमस है, वैसे हिट सुटेबल बॉय भी था। क्यों फेमस है, क्योंकि सर विक्रम सेठ को एक बड़ी जबरदस्त अमाउंट इसके लिए मिली थी, जिसके कारण ये चीज चर्चा का विषय बन गई। पेंगुइन वालों ने विक्रम सेठ को करोड़ों रुपए दिए थे, ऐसी अमाउंट कभी किसी ने नहीं दी थी किसी राइटर को कि आप अपने हमारे लिए एक नोवेल लिखिए। वो नोवेल का नाम है ए सुटेबल गर्ल, लिखने वाला विक्रम सेठ, नोवेल सीक्वल है ए सुटेबल बॉय का। नेक्स्ट है सर, राइटर ऑफ द बुक ए फाइन बैलेंस। अब ये फाइन बैलेंस जो है, ये हर एक के पीछे एक स्टोरी है। इस फाइन बैलेंस के पीछे क्या स्टोरी है, इसके अंदर बाल ठाकरे के बारे में कुछ है। तो जब बाल ठाकरे का पोता कॉलेज में गया ना, ठाकरे साहब का पोता, तब उन्होंने इस वर्क के बारे में पढ़ा और फिर इसके ऊपर शोर मचा। रोहिंतन मिस्ट्री ने लिखा है, इंडिया का ही बंदा है, बाहर कनाडा, शायद पारसी है, कनाडा रहता है। फाइन बैलेंस, अब याद रख लीजिए, सुटेबल बॉय, फाइन बैलेंस, टू वर्जिन, ऐसे सब वर्क याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट है सर, राइटर ऑफ ए हैंड फुल ऑफ राइस। ए हैंड फुल ऑफ राइस जो है ये कमला मार्कंडे का लिखा हुआ बहुत ही फेमस नॉवल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसमें इंडिया की फेमाइन के बारे में, अकाल के बारे में जिक्र है। नेक्स्ट है सर, इन विच ईयर सलमान रश्दी विंस द बुकर प्राइज। सलमान रश्दी को बुकर प्राइज मिला था उनके वर्क द मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, जिसके ऊपर एक फेमस फिल्म बनी है स्लम डॉग मिलेनियर, और ये वर्क इनको ये मिला था 1981 में। इसके बाद में 1993 में एक बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज जो था वो भी इसी वर्क को मिला,
मिडनाइट चिल्ड्रन को. सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम, हैव अ गुड डे.